वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेड बाय मी। आज हम बनाने जा रहे हैं एक खूबसूरत सा टॉप, जो आपको रुमाल कट फ्रॉक का स्टाइल होगा हमारा, मगर ये हम पूरा जो है वो टॉप स्टाइल से बनाएंगे। ये देख रहे हैं, मैंने अपना पीस रखा हुआ, मैं आपको नाप के बता देती हूँ। ये तकरीबन 12 ईयर्स से 14 ईयर्स की बेबीज़ के लिए होगा। तो ये देखें आप, मैं इसको नाप के आपको बता रही हूँ कि हमारी ये साइजिंग क्या है। ये हमने 22 इंच लिया हुआ है और ये हर तरफ से 22 इंच होगा। आप देख रहे हैं ये जो हमारा पूरा ये जो त्रिकोण हम बनाएंगे, इसलिए ये डबल में है। आप देख रहे हैं ये दो ये है और ये दो ये, इस तरह ये चार तह में है, बिल्कुल सर्कल स्टाइल होगा। ये देखें अभी हमने इसको इस तरह इसको सेटअप करा है। ये देख रहे हैं आप इसको इसको इस तरह हम इसको सेट करेंगे पहले, और उसके बाद जो है यहाँ से जो है इसको नापेंगे। ठीक है, ये आपको मैं दोबारा नाप के दिखा देती हूँ कि ये जो है हमने लिया हुआ है सब तरफ से ये हमारा 22 इंच होगा। ये देख रहे हैं आप 22 इंच। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से कोने से भी हमारा ये होगा 22 इंच। ठीक, ये देखें अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देख रहे हैं कि हमारा पूरा जो ये नीचे से जितने हमारे ये पीसेस खुले हुए हैं, ये हम नीचे की साइड पे रखेंगे, ये बिल्कुल इसी तरह रहेगा। इसको हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। चाहे तो आप इसके कोने थोड़े से कम कर सकते हैं अगर आपको कोने इतने पसंद नहीं आए। अब हम यहाँ से हम इसकी सेटअप करेंगे। ये देख रहे हैं हम यहाँ से हमें करना है, अब इसको जो है हम इसी तरीके से रखेंगे, सेटिंग करेंगे और ये हमारा, बल्कि हम इसे खोल लेंगे यहाँ से। ये देख रहे हैं आप, इसको हमने सेट करा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। यहाँ से मैं लूँगी 4 इंच के करीब। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये हमने लिया है 4 इंच। यहाँ से हमने 4 इंच लिया है और 4 इंच के बाद हम यहीं से इसको इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखें ये, ठीक है, ये हमारा पूरा आएगा 4 इंच के करीब। और यहाँ से हमने 3.5 इंच लिया है और ये जो है हमारा स्टाइल जो होगा पूरा, यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से भी हमारी कटिंग होगी और यहाँ से भी होगी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा आगे रख के काटेंगे। ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लिया है। ये हमारा फ्रंट और बैक का हिस्सा है और ये हमारा आर्म होल है। दोनों की साइजिंग मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये हमने लिया हुआ है 4 इंच के करीब और ये हमारा है, ये भी 4.5 इंच के करीब है ये आर्म होल जो है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से, आप चाहें तो थोड़ा सा ये जो हमारा जो कोने निकल रहे हैं इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे 3 इंच के करीब। ठीक है, यहाँ से हम कम करेंगे इसको 2.5 इंच कम कर लेते हैं इसको यहाँ से ये, और ये बिल्कुल यहीं से सीधा रखते हुए हम यहाँ से इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हमने ये लिया है और ये हमारा ये हम फ्रंट है, ये हमारा ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आएगा ये सीधा सा, ये देख रहे हैं ये है हमारा। अब इसके ऊपर ये मैं ब्लैक कलर हमारे पास मौजूद है तो हम इसकी पट्टी लगाएंगे पूरी ब्लैक कलर की। ठीक है, और यहाँ से हम लेंगे इसको, थोड़ा सा हमें इसमें चौड़ी पट्टी लगानी है एक तरह से इस तरीके से, और यहाँ से भी हमारी चौड़ी पट्टी आएगी। तो ये मैं आपको स्टिच करते वक्त दिखाऊंगी कि हम इस चौड़ी पट्टी को कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, फिर पूरा हम यहीं पे आपको सेटिंग करके दिखा देंगे। ये देख रहे हैं, ये हमने चौड़ी पट्टी काटी है इसकी, और इसकी साइजिंग मैं आपको बता देती हूँ कि कितने लिए हमने। ये हमारे पास मौजूद है, ये हमने यहाँ से 2.5 इंच तक ली है, 2.5 इंच यहाँ के थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि यहाँ हमारी जो है आर्म होल की पट्टी आएगी पूरी इस तरीके से। तो अब वो भी हम यहीं पर कटिंग कर लेते हैं आपके सामने ही। ये देख रहे हैं, हम एक पीस लेंगे ताकि हमारे डबल में आ जाए, हमें दो की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने दो पीस, ये एक पीस हटा लिया अपना। अब हम इसकी सेटअप करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, हम इसे रखेंगे डबल करके और उसके बाद यहाँ से हम इसे सेट करेंगे अपनी ये जो हमारी फ्रॉक है इसका आर्म होल रखेंगे यहाँ पर। ठीक,
ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इसे मिलाएंगे, ये देख रहे हैं आप इसको, ये इतनी इसकी लेंथ होगी जो हमारे ऊपर की होगी। ये मैं साइजिंग आपको बता देती हूँ कि कितनी है हमें रखनी है, ये हमें रखनी है 4 इंच के करीब, ठीक है। और ये पूरा हमारा आएगा 8 इंच, ये पूरी यहाँ से, तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ, ये देखें आप इसके साथ ही। ठीक है, ये पूरी हमारी निशान लगेगी है, उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देख रहे हैं, ये हमारा पूरा ये इस तरीके से आएगा, दोनों साइड की हो गई है हमारी, ये देख रहे हैं आप कि इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे। और ये मैं नाप के बता देती हूँ आपको कितनी है, ये हमने लिया हुआ है ऊपर से, हमें 2.5 इंची लेनी है, तो हम इसको थोड़ा सा बराबर करेंगे, ये देख रहे हैं ये, और उसके बाद पूरा हम 2.5 इंच की तरफ लेंगे। ये कटिंग कर ली हमने, अब इसको हम डबल काट लेंगे, ठीक है। एक हमने कटिंग करा है, अब हम इसी को रख के हम इसे डबल कटिंग करेंगे। ये देख रहे हैं आपको, अब आपको मैं सेटिंग करके दिखाती हूँ कि ये हमें किस तरह यूज़ करना है दोनों को। ये हमारा पीस है ये, उसके बाद सबसे पहले हम ये पीस लगाएंगे अपने दोनों गले में इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद ये पीसेज हमारे जो हैं इस तरीके से आएंगे दोनों तरफ, ये आएगा और फिर उसके बाद हम इस तरीके से ये लगाएंगे, ये हमारा इस तरीके से आएगा दोनों साइडों पर, ठीक है। ये हो गई ये स्टाइल हमारा, ठीक है। इसको हम कोई भी बारीक सी बेल की मदद से भी लगा सकते हैं, इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, ये बहुत आसान है। पहले सबसे पहले हम इसको यहाँ से सीएंगे, ठीक है, इसको उल्टी की तरफ से सीके और फिर इसको उलट देंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। उलटने के बाद इसके नीचे की तरफ हम पूरे में बेल लगा के इसको सेट करेंगे, ठीक है। ये स्टिच करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं ये मैंने ये ब्लैक ब्लैक पे ब्लैक बेल लगाई है, तो इस तरह हमारी फोल्ड होगी, ये देख रहे हैं आप। हम इस ब्लैक फ्रॉक इसमें जो है ये जो पट्टी जो हमारी है इसके ऊपर हम ब्लैक बेल लगा के इसको इस तरह फोल्ड करें, और ये हमारा जो ये जो टॉप का गला है इसको हम यहाँ से जो है इसको उल्टे साइड से हम इसको रखेंगे इस तरह से, सियेंगे इसको पूरा यहाँ से इस तरीके से, और सीने के बाद इसको हम उलट देंगे, उलटने के बाद ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ये हम कि देख रहे हैं ये इस तरह हमारा सेटअप आया है ये। अब हम दूसरी तरफ का भी इसी तरह सेटिंग करेंगे, तो देख रहे हैं ये जो हमने डबल पट्टी रखी थी इसको भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे पूरा, और ये जो हमारा है हिस्सा है इस पर मैंने कट का निशान लगाया, ये देखें। अब इसके बाद हम इसको उलटेंगे, उलटने के बाद इसके किनारे सी लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसके किनारे सियेंगे, ये देखें इसको मैं सीधा कर रही हूँ। सीधा करने के बाद हम इसके किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे पूरे पर, हम लगाने के बाद
आप देख रहे हैं ये जो मैंने पट्टी अपनी आपके सामने रेडी करी थी, ये पीस हमारा है। इस ये बिल्कुल सिंपल पीस था जिस तरह ये हमने काट के रखा हुआ था, ये देखें। और उसके बाद जो है ये हमारा पीस जो है, ये हमने एक साइड पे सिलाई लगाई, बेल लगाई है पूरी, देख रहे हैं आप। और उसके बाद इसको इस तरीक़े से हमने साइड से सीकर और इसको उलट दिया है, ये देखें आप। ये रहा हमारा, ये इस तरह हमने सीकर इसको उलट दिया है, कट लगा के। ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है आपको। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैंने एक तरह से सिलाई लगा दी है। अब हम इसको, इन दोनों पीस को, मैं सिर्फ एक पट्टी आपको बता रही हूँ, इन दोनों पीस को हम इस तरह सियेंगे। ये जिस तरह ये पीस है, इस तरह हमारा सिल गई है। ये देख रहे हैं, ये वाला किनारी जो है, या इस तरह हमने सीकर अब इसको हम सीधा करेंगे तो ये हमारा लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा हमारा रेडी हो गया है। अब हम अपनी जो हमारा टॉप है उसके ऊपर हम सेटअप करेंगे इसको। ये हमारा टॉप का ये साइड है, ये आर्म होल जो हमारा था उसको हम यहाँ से इस तरह लेंगे। और ये जो पीस है हमारा, ये अंदर रखेंगे हम इसको, ठीक है, इस तरीक़े से। और इसको इस तरीक़े से हम यहाँ से सेटअप करेंगे और साथ साथ हम पिन लगा के इसको सेट करते जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमने इसको लगाया है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ से आएगा ये पूरा, हम इसको इस तरीके से अंदर करते जाएंगे और इसे पिन लगा के सेट करते जाएंगे। ये हो गया हमारा। अब दूसरे साइड से हम करेंगे, ये देखें, ये भी हम इसी तरह इसको अंदर करेंगे, ठीक है, इसको सेट करेंगे पूरा। और ये देखें, ये पूरा हमारा, हम बिल्कुल इसको इस तरीके से सेट करके अंदर की तरफ सेटिंग करेंगे इसको। ये थोड़ा सा हमारी सिलाई ज़्यादा हुई है, इसको हम निकाल देंगे, ठीक है। ये देखें हमारा बिल्कुल सेट है। इसको हमने यहाँ से रखा और उसके बाद पिने लगाई हमने। ये देखिए, ये हमारी पिन लग गई है और ये हमारा इस तरीके से हमारा ये सेटअप आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा सिलने के बाद ये देखें, ये हमारा, ये अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिर्फ हमें इसको सीना है ऊपर से रख के, अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिलाई लगानी है सीधी सीधी सी। और नीचे वाला पीस हम खींच के लगाएंगे, ये ऊपर तो हमने पहले ही सेट कर दिया, सिर्फ यहाँ से हम इसको खींच के लगाएंगे पूरा और यहाँ तक सी लेंगे तो ये हमारा आर्म होल रेडी हो जाएगा। उसी तरह हम दूसरा साइड भी तैयार। देख रहे हैं, इस तरह मैंने अपनी दोनों तरफ के ये जो है आर्म होल लगा लिए, जो इस तरह हमारा सेटअप होकर आया है। ये देख रहे हैं, बिल्कुल बराबर है ये। और यहाँ से भी ये देखेंगे, इस तरह सेटअप होगा। ये थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे तो ये मज़ीद बैठ जाएगा हमारा, क्योंकि ये कटिंग ही ऐसा हुआ हुआ है, ये ऊपर नीचे पट्टी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमने इसको इसी तरह काटा है, ना ये रेबी है या ना कुछ है। अब ये हमारा जो ये नीचे रुमाल कट स्टाइल है, इसमें हम जो है, या तो आप इसको चाहें तो सादा बिल्कुल इस तरीके से मोड़ लें, ठीक है, ये भी खूबसूरत लगेगा। या इस पर आप ब्लैक जो है पाइपिंग लगा लें अपनी खूबसूरत सी, जैसे ये हम लें इसको इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से हम यहाँ पाइपिंग के तौर पर इस तरह लेंगे और इसको पूरे में ये इस तरह पाइपिंग हम लगा लेंगे, पूरे में लगा सकते हैं आप इस तरीके से। मगर मैं इसमें जो हमने ये जो बेल लगाई है, वो बेल लगाइए लगा रही हूँ, ताकि ये हमारा जल्दी फटाफट हमारी टॉप रेडी हो जाए, ठीक है। तो इसके सिर्फ हमें दामन पे बेल लगानी है, इसके साथ ही हमारी ये फ्रॉक रेडी हो गई है। और इसमें हम चाहें तो गले के ऊपर फ्रंट को जाहिर करने के लिए कोई खूबसूरत सी हम फूल लगा सकते हैं ब्लैक कलर का। इस तरह ये मैं आपको ज़रूर बनाना बताऊंगी। ये इसको बना के ये हमने मोतियाँ इसमें टाकी हुई हैं और उसके बाद इसको यहाँ हम लगाएंगे इस तरीके से। ये इस तरह हमारा ये टॉप रेडी हो जाएगा। और आप देख रहे हैं, ये टॉप जो है हमारा 10 ईयर से 12 ईयर, या अगर बड़ी बच्चे हमें पहनना चाहें तो बहुत आराम से जींस की पैंट पर पहना जा सकता है। अगर आपको हमारा ये टॉप पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this tutorial, please subscribe to our channel, share this tutorial and like this tutorial as well. Thank you so much.